Hello, my beautiful souls. Welcome back to my YouTube channel. I'm Shika ki Duniya, and अभी मेरा सर दर्द काफी ज़्यादा आराम है क्योंकि मैंने अभी proper खाना खाया, दाल चावल आलू की भुजिया फिलहाल ढमकाना. So आज मैं दिखाने वाली हूँ what is in my school bag. आज मैंने सोचा अचानक से लेटे लेटे कुछ होने नहीं वाला, लाइफ में कुछ करना पड़ेगा और इस वीडियो में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, तो अब मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा. तो बनाना कैसे पड़ेगा वो मैंने आधे घंटे बैठ के सोचा, मतलब आधा घंटा मेरा टाइम पास हुआ. टाइम पास नहीं हुआ गाइस, मैंने बहुत अच्छी चीज़ सोची, अपने आप को मोटिवेट किया एंड फिर मैं सर दर्द ठीक हो गया. ओके सो आज की वीडियो में ज़्यादा पढ़ाई तो मैंने की नहीं है जो कि मैं दिखाऊंगी, क्योंकि हर वीडियो में मैं जानती हूँ खाना पीना सोना आप लोग देखकर बोर हो गए होंगे. तो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ व्हाट इज इन माय, समझ गए, व्हाट इज इन माय स्कूल बैग. सो स्कूल जाने के बाद मैंने टिफिन निकाल दिया था क्योंकि आज मैं टिफिन खाई नहीं थी, क्योंकि फिफ्थ पोजिशन ला के मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था, गिल्टी फील हो रहा था. बट स्टिल वॉट एवर आई एम, आई लव माई सेल्फ. और इस स्टेटमेंट के लिए मुझे पापा से बहुत डांट पड़ी है कि गोबर बन जाओ उसके बाद बोलते रहना, फेल हो जाओ एग्जाम में उसके बाद बोलते रहना वॉट एवर आई एम, आई लव माई सेल्फ. गाइस अपने आप को लव करो चाहे आप जैसे भी हो. अपने आप को लव करना सीखो, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव अ मोटिवेशन इन योर सेल्फ. अब बिना ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो गाइस मैंने जैसा कि बताया मैं टिफिन घर आके खाई हूँ, तो अभी मैंने लंच किया है, टिफिन नहीं निकला क्या, असर नहीं निकल गया. हाँ तो टिफिन निकाल दिया, तो आगे को देखते हैं मेरे बैग में क्या क्या है. फर्स्ट है ये वाला जिसके अंदर कुछ नहीं रखा, मतलब मैं पहले चेंज बता रही हूँ. वन फिर ये टिफिन का चेन है, टू थ्री चेन इधर है, इधर ये ना अम्ब्रेला रखने के लिए, एंड एक और चेन था हाँ इधर है इस जगह पे आप कुछ सीक्रेट सामान ले जाना हो तो आप यहाँ पर ले जा सकते हो. देखो चिट मत ले जाना नहीं तो पकड़े जाओगे बहुत गंदी तरीके से. ठीक है सो बस इतनी चेन्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 चेन्स है टोटल. सो अब मैं कहती हूँ उन सारी चेन्स में क्या क्या है. सो आइए देखते हैं. ओह यस मम्मी मुझे वो पेन इतना दिन से नहीं मिल रहा था, मुझे आज मिल गया मेरा पेन आज वीडियो बनाने के चक्कर में. चलो आई गॉट माई पेन, इसमें आपको देखिएगा एक पचुक पचुक वाला पेन. ठीक है नेक्स्ट टिफिन चेन में, अरे मेरी लाइब्रेरी की बुक है इस चेन में, क्लासिक घोस्ट स्टोरीज का इस बहुत मस्त बुक है, मेरी लाइब्रेरी से मिली मुझे बुक. नहीं और कुछ नहीं है, छोड़ो अंदर घुसते. सो आपको दिखेगा इसमें एक अतरंगी चतरंगी डायरी, देखो ये मेरे दांत है आगे के, कैसे लगी मैंने खुद से बनाई है. क्या है ये रफ कॉपी? रफ कॉपी, रफ कॉपी फॉर स्कूल अंशिका 5A जीप पे लिखा है जो कि मैंने. वाओ वेरी क्रिएटिव. अरे देख इसके अंदर है मेरा एक पेंसिल बॉक्स जिसको मैंने मतलब अच्छा खासा ये मस्त पेंसिल बॉक्स था इधर का फ्लैशलाइट जो सा ये, बट मुझसे सहन नहीं हुआ है. पता है मैंने क्या किया? BTS जिंदाबाद, BTS जिंदाबाद, BTS. इसके अंदर आप रफ चीज़ें लिख सकते हो. एंड हैव मैंने पिका चुका और थोड़ा फट गया वो. अरे अरे मेरा पिकाचू बाहर निकल गया, रुक जाओ. पोकेमॉन, सॉरी पोकेमॉन, शिट कोई बात नहीं, इसको चिपका लेंगे बाद में, होता है सबके साथ होता है. देखने को मिलेगा, खुल जा. एक ब्लैक पेन, एक रेड पेन. रेड पेन क्यों? टीचर्स मांग के तो इम्प्रेशन के लिए. एक रेड पेन, एक पेंसिल, एक वो आउटलाइनिंग वाला पेन है इसको, फिर एक कंपास. अब देखो मैं किसको चुबाने के लिए नहीं ले जाती हूँ, सर्किल बनाने के लिए ले जाती हूँ. एंड वाइटनर, अ स्केल, एंड लास्ट अ स्टिकी नोट.
सेबा और इसके नीचे वाले में ओह शिट लॉक हो गया गाइस। हां यहां पर का एक और नटराज का स्केल और एक चीज होगी भैया, एक मिनट गाइस लगता है खो गई इसके अंदर, एक मिनट। फिर आपको दिखेगा एक और पॉकेट वाला पेंसिल बॉक्स जिसको सब लोग मेरे बैग से लेकर एंटी रिलैक्सेशन करते हैं छोड़ने के लिए। इसको पॉकेट वाला पेंसिल बॉक्स, इसके अंदर आपको दिखेगा सिर्फ कलर्स एंड स्केच पेंस। ये क्यों ले जाती हो? अरे क्यों ले जाती हो, ये डायरी मैंने कैसे बनाई है? तो वो सब इम्पोर्टेंट रहता है क्या बनाना? नहीं यार, फिर दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल कभी कभी ले जाना पड़ता है, कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं आप उसको नेक्स्ट। फिर मेरे पेंसिल बॉक्स में आपको दिखेगी ये, दैट्स नॉट अ डायरी, कम हियर। इसको मैंने डेकोरेट किया थोड़ा सा, इसके अंदर है, अरे गली खुल गए तो, इसके अंदर है गणेश जी, गणपति बप्पा, मोरिया, स्टिकी नोट्स, नोट पैड, ओके। पर जीरो पीरियड में मैं कुछ ये कर रही थी एग्जाम टाइम, शायद तो कॉपी किताब है वो तो सब तो रहेगा ही ना, और निकालो कुछ स्पेशल। ये है स्पेशल हिंदी पीटी टेस्ट कॉपी, मेरे मुंह से वो दिखा रही हूँ। क्यों कट गए? तुमने बोला था 25 में से 25 आएगा। नहीं मैंने पहले बताया मेरा नीड गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? नीड का एक ये गड़बड़ हुई है और ये मूर्ति नहीं, देखो ये चार नंबर का, चार नंबर मिले हमको पूरे। और ये क्या है? तो और नंबर कहाँ? अच्छा तो तुमने सिर्फ इतना ही लिखा था? नहीं क्या, 10 लाइन लिख रही थी, वो पूरा काउंट करके देख लो, 8 से 10 ही है। तो ऐसे नहीं होता ना, 8 से 10 का मतलब होता है कि आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 लाइन लिखनी होती है, इसीलिए नंबर कट गए ना फिर अननेसेसरी के। ये तो एक पैराग्राफ हुआ, 8 से 10 लाइन मतलब कि पूरा एक पेज लिखो। इसके बाद आप मेरे बैग में हिंदी की टेस्ट कॉपी के बाद आप देखेंगे एसएससी की कॉपी, एसएससी की कॉपी के बाद ये सब, तो तुम्हारा टाइम टेबल होगा ना फिर। और एक और चीज है, ये क्या है? स्क्रंची है गाइस। क्यों निकल गई बैग में से ही? कौन लेके जाता है? तुम्हारे हाइलाइटर्स नहीं है? अरे ऐसा भूल गई थी मैं, अचानक से याद आया, ओह शिट, सॉरी यार, मेरे बगल का पार्टनर डर गया, क्या हुआ? अरे आज हम हाइलाइटर लाना भूल गए। अरे तुम पागल, ठीक है पागल, मैं आज हम लाना भूल गए। ओह नो, ओह नो, ओह नो 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 नो। ये क्या है? आज तुम्हारे बैग से पैंट निकला, स्कूल पैंट, स्कूल पैंट, दैट्स लाइक अ मफलर। क्यों? अरे क्यों क्या, मैं लॉन्ग जंप था तो उसके लिए मुझे पैंट पहनना था ना, ठंडी में कैसे जाता। इसके बाद आपको दिखेगी मोलर वैल्यूज की बुक, एसएसटी की बुक, मेरा मैथ्स मैनुअल देखोगे? चलो दिखाती हूँ मैं अपना मैथ्स मैनुअल, अपनी फ्रेंच की कॉपी दिखाऊं। मैथ्स मैनुअल दिखाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी फ्रेंच कॉपी दिखाऊंगी। सो चलो, फ्रेंच कॉपी थोड़ी ज़्यादा ही भर गई है मेरी, तो मुझे 3 कॉपी लेनी पड़ी एक्चुअली इसके लिए। सो ये वाली तो मैं फिलहाल कंप्लीट कर रही हूँ, देखने के बाद जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत मस्त आइडिया है मेरे मन में, तो बताऊंगी नहीं तो आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखोगे इसलिए। तो चलो इन दोनों कॉपी से शुरू कर। सो फर्स्ट कॉपी मेरी ये वाली थी एक्चुअली, इसकी ये हालत इसलिए हुई कि बाद में मैंने इसे रफ कॉपी बना लिया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इधर है मैंने लिखा है मस्त फ्रेंच कॉपी एंड पुल अप, नेम अंशिका गुप्ता, सॉरी हाँ नेम अंशिका गुप्ता, क्लास 5A, सब्जेक्ट फ्रेंच। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्टिकी नोट भी चिपकाया था, यहाँ पे छू के देखो ना पूरा स्टिकी नोट को वैसा, हाँ देखो 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 है ना थोड़ा सा, तो वहाँ पे मैंने नेम ऑफ माई टीचर लिखा था, रोहित सर, हाँ सर का नाम ले लिया मैंने वीडियो में, हाँ सर देखेंगे तो बोलेंगे कितनी अच्छी बच्ची है मेरा नाम लिया है। सो यहाँ है हमारे सारे अल्फाबेट्स, सर हिंदी में लिखवाया आबे आबे से दे अ एफ जे आशी जी का, एफ को एफ ही बोलते हैं, बस दो डिफरेंस है, जी को जे बोलते हैं और जे को जी बोलते हैं, हाँ जी जे इंटरचेंज, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है कालियू तासियोन, बॉन्जूर गुड मॉर्निंग बॉय, आप खुद यहाँ पे पढ़ सकते हो, सब फ्रेंच वर्ड्स है और ये सारे हिंदी वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स। फिर ये है आपका सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन रिलेशनशिप सेकंड, हाँ सेकंड कॉपी, ये भी थोड़ी गंदी सी हो गई है बट ठीक है, इसको मैंने पूरी डिटेलिंग के साथ किया है। ये पापा जब ये वाली वाली फ्रेंच कॉपी देखा, वाह बोला अंशु में सच में पेशेंस है, कुछ तो टैलेंट है। तो मैं बता दूँ ये वाली कॉपी ना मेरी थोड़ी गंदी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने इसको इस टाइप से किया है, और जितना ये सेकेंड टर्म की कॉपी है एक्चुअली नंबर्स। सो यही थी मेरी आज की, अरे मम्मी आर वाले मेरे को ये दिखाना है, मैथ्स मैन वाले, मैथ्स मैन में ज़्यादा नहीं है। सो अब दिखाते हैं हम लोग अपनी मैथ्स मैन वाले, ठीक है। सो आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, हाँ ठीक है, तो फर्स्ट शुरू होता है, अरे भाई पलट जाओ, हमारा ये है, ये हमारा असाइनमेंट था। तो आपको कैसा लगा ये वाला मेरा, एंड इसको मैंने रेनबो कलर से कर दिया, मस्त अच्छा सा कोडिंग था ये एक्चुअली हम लोग का। नेक्स्ट पेज में ये भी हम लोग का एक काजू लगा नहीं रहेगा इस मीडियम में, मेरे तरह से मेरा काजू है ये कैश्यू नट्स, और ये सॉल्व द पजल ये यही है पीयू, मैं कितनी क्रिएटिव हूँ यार, मैं कितनी क्रिएटिव हूँ, ठीक है नेक्स्ट आते हैं, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, व्हाट एवर आई एम आई लव माई सेल्फ, ठीक है। सो फिर आपको दिखेगा, देखो ना गाइस कितनी मस्त शेडिंग की है मैंने पीछे, बट यहाँ पे एक गलती हो गई गाइस, आंसर में गलती से मैंने 4 लिख दिया, तो आंसर में गलती से मैंने 9 लिख दिया, बट आंसर 17 है, जो कि मैम यहाँ पे रेड पेन से लिख दिया, अच्छा मैम काटी नहीं, इधर आओ, ये है रेसिप्रोकल का हमें बनाना था, तो ये गलती से मुझसे थोड़ा ज़्यादा मोटा बन गया था, तो मैंने इसको ऐसे सर्किल कर दिया, और ये कितना मस्त दिख रहा है अभी, ये ऐसा लगे दो आँखें और दो स्माइली है, अब हंसते रहा करो। एंड देन प्रोजेक्ट ऑन परसेंटेज, देन एरिया का प्रोजेक्ट, ये ना एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं बची थी, तो मैंने मस्त अपना दिमाग लगा के इसको यहाँ लिख दिया, क्योंकि मैम बोलती रूल पेज में नहीं वाइट पेज में ही लिखना है, तो मेरा ये देखो शेप, मैंने मशरूम का शेप काटा है मशरूम कम दिमाग ज़्यादा लग रहा अरे गाइज थोड़ा वो मेरे से आउटलाइनिंग में गलती हो गई, यहाँ से थोड़ा पतला, यहाँ से थोड़ा मोटा हो गया, बट इग्नोर करना, उसके बाद और कुछ नहीं है। This is only for today's and I hope you like this video and I'll meet you in the next vlog. Tab tak ke liye bye bye. Swasth raho, satark raho and bolte raho whatever I am. I love myself.